जो लोग रेसलिंग के फैंस नहीं हैं, वो ये बात नहीं समझते कि प्रोफेशनल रेसलिंग कितनी खतरनाक है। चोट लगना आम बात है और एक छोटी सी गलती किसी का करियर खत्म कर सकती है, जैसा कि हम देखने वाले हैं। रिक रूड की कहानी काफी दुखद है। लगभग 3 साल तक WWE में रहने के बाद रिक रूड ने उनके विरोधी WCW को ज्वाइन कर लिया। बदकिस्मती से यहीं रेविशिंग वन का इन रिंग करियर खत्म होने वाला था। WCW की न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप थी, जिसके कारण दोनों कंपनी के रेसलर्स एक दूसरे के शो में परफॉर्म कर सकते थे। एक इवेंट के दौरान रिक रूड का सामना स्टिंग से हुआ WCW इंटरनेशनल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैच में एक मौके पर स्ट्रिंग रस्सी के ऊपर से कूदकर बाहर खड़े रिक रूड के ऊपर गिरे। रिंग थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी थी और जब रिक नीचे गिरे तो उनकी पीठ प्लेटफॉर्म के किनारे से टकराई और उनकी पीठ में एक गंभीर चोट लग गई। लेकिन रिक रूड ने किसी तरह मैच को खत्म किया। जहां रूड ये मैच जीत गए, वहीं उनका इन रिंग करियर खत्म हो गया। हालांकि रूड रेसलिंग का हिस्सा बने रहे, लेकिन सिर्फ एक मैनेजर के तौर पे। इससे ज्यादा दुखद ये था कि इस करियर खत्म कर देने वाली चोट के लगभग 5 साल बाद रिक रूड ने सबको अलविदा कह दिया। 20 अप्रैल 1999 को ड्रग के ओवरडोज के कारण रूड की मौत हो गई। क्रिस्टोफर नोवेंस्की की WWE में काफी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई। इस आदमी ने रियलिटी शो टफ इनफ के पहले सीजन में हिस्सा लिया था। इस शो में आम जिंदगी वाले लोगों को ट्रेनिंग देकर WWE का रेसलर बनाया जाता था और इस शो के विनर को WWE की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। हालांकि नोवेंस्की जीते नहीं, मगर फिर भी उन्होंने कंपनी के साथ डील साइन करके 2002 में अपने करियर की शुरुआत भी कर ली। लेकिन बदकिस्मती से 1 साल से भी कम समय में नोवेंस्की का करियर एक दर्दनाक हादसे के कारण खत्म हो गया। 2003 के रॉयल रंबल में क्रिस्टोफर नोवेंस्की तीसरे नंबर पर आए। एक मूव प्लान की गई थी जहां रे मिस्टीरियो और एच नोवेंस्की को एक साथ मिसाइल ड्रॉप किक मारने वाले थे। हालांकि उनकी टाइमिंग गलत हो गई और एच क्रिस्टोफर नोवेंस्की के सर पर गिरे। इससे नोवेंस्की को कंकशन हुआ, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा, जो कि एक बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने शरीर को और ज्यादा चोट पहुंचाना जारी रखा और उनको पोस्ट कंकशन सिंड्रोम हो गया, जिसके कारण नोवेंस्की के आगे के मैचेस में दिक्कतें आने लगी और आखिरकार उन्होंने अपने रेसलिंग करियर को खत्म करने का फैसला कर लिया। दुर्भाग्य से ये अकेला मौका नहीं है जब एच ने गलती से किसी साथी रेसलर का करियर खत्म किया हो। ब्रेट हार्ट खुद को द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वॉज, बेस्ट देयर एवर विल बी बोलते थे। ये सुनने में घमंड से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन हिटमैन ने इस दावे को हमेशा सही साबित किया। जब भी वो रिंग में कदम रखते थे, हार्ट ने कभी भी किसी भी रेसलर को चोट नहीं पहुंचाई जिनके खिलाफ वो खेले, और यहां तक कि कई बार अपने विरोधियों को चोट लगने से भी बचाया, जैसे शॉन माइकल्स के खिलाफ रेसलमेनिया 12 में खेलते हुए। बदकिस्मती से एक गलती ने अचानक ब्रेट हार्ट के करियर को खत्म कर दिया और ये गलती उन्होंने की भी नहीं थी। WCW के साल के सबसे बड़े शो स्टारकेड में हिटमैन ने मेन इवेंट में गोल्डबर्ग का सामना किया। मैच के आखिरी के पलों में गोल्डबर्ग ने ब्रेट हार्ट के सर पर लात मारी और गलती से उन्हें सच में मार दिया। ब्रेट ने बताया कि वो लात ऐसे लगी जैसे किसी हॉकी से उन्हें सर पे मारा गया हो। इसके बाद हार्ट को एक डॉक्टर ने चेक किया, जिसने उन्हें बताया कि ब्रेट हार्ट के स्कल में पीछे एक सिक्के के बराबर का होल दिखा है। हिटमैन को उस समय चोट की गंभीरता का पता नहीं था और इसलिए उन्होंने रेसलिंग करना जारी रखा। हालांकि ब्रेट हार्ट को जल्द ही ये अंदाजा हो गया कि वो पोस्ट कंकशन सिंड्रोम से जूझ रहे हैं और जल्दी ही वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हो गए। साइकोसेट या कहें सिड विशियस एक मॉन्स्टर थे। आमतौर पर जब भी वो रिंग में होते थे तब वो सबसे बड़े इंसान होते थे। अपने साइज के कारण सिड ज्यादातर बड़ी पावर मूव्स का ही इस्तेमाल करते थे और वो शायद उन्हें उन्हीं मूव्स पर टिके रहना चाहिए था। हालांकि WCW के 2001 के सिन पे पर व्यू के दौरान बैकस्टेज के लोगों ने सिड विशियस पर दबाव बनाया कि वो एक बीच की रस्सी से उछलकर की जाने वाली मूव करें। सिड इसे करने में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी मान गए और ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जब उन्होंने ये मूव किया तो सिड अजीब तरह से नीचे आए और इस झटके ने उनके पैर को तोड़ दिया। सिड ने तुरंत ही सर्जरी करवाई और उन्हें बाद में बताया गया कि वो अब कभी दौड़ नहीं पाएंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिड को चलने के लिए भी छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। हालांकि सिड अपनी ताकत को वापस पाने के लिए पूरी जान लगा रहे थे और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। यहां तक कि 2012 में उन्होंने WWE में वापसी की और कंपनी के लिए एक आखिरी मैच खेला। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्रिस्टोफर नोवेंस्की ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिसके करियर खत्म कर देने वाली चोट में एच शामिल थे। जब रेटेड आर सुपरस्टार ने 1998 में WWE में अपनी शुरुआत की तो उन्होंने जोस एस्ट्राडा नाम के एक आदमी का सामना किया। मैच अभी शुरू ही हुआ था और एच ने एक सुसाइड सेंटोन से एस्ट्राडा को मारा, लेकिन एच का पैर सीधा उनके विरोधी के सर पर टकराया। इस खराब मूव ने एस्ट्राडा की गर्दन तोड़ दी और मैच खत्म हो गया जब जोस को काउंट आउट दिया गया। हालांकि जोस ने कुछ समय तक और फाइट की, लेकिन उनका करियर चोट लगने के लगभग 1 साल बाद खत्म हो गया। कभी कभी इसका उल्टा होता है और रेसलर्स खुद को चोट पहुंचा देते हैं अपने विरोधी को चोट से बचाने के लिए। उन मौकों को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।